हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं आ गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, PSW डिपेंडेंट वीज़ा। तो हाँ, जिसके बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि एक्चुअल में क्या रूल्स हैं, क्या क्या इसमें कोई चेंजेस के गुंजाइश है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर UK में स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ एंड जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं उनकी मदद करता हूँ। तो आप में से जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई लास्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने रेड लिस्ट की कंट्री में नेपाल का भी नाम ले लिया था। नेपाल रेड लिस्ट में नहीं आया हुआ है, सिर्फ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इज इन द रेड लिस्ट, उसके अलावा फिलीपींस एंड केन्या। तो आज की बात करते हैं PSW डिपेंडेंट वीजा। तो मैं कल परसों एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, वो है हमारे स्टूडेंट हेल्प UK नाम से उनका चैनल है, राजीव भैया का चैनल। तो उन्होंने अपने एक सॉलिसिटर फ्रेंड से बात करी एंड उन्होंने ये क्वेश्चन एटलीस्ट एड्रेस तो किया कि भाई PSW में जो भी डिपेंडेंट का आएंगे उनको क्या राइट्स है क्या नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने ये टॉपिक कवर किया। एंड ये मुझे काफ़ी लोगों ने मेरे साथ डिस्कस भी किया है, इवन स्पेशली जो फीमेल्स है वो मुझे बहुत ही मैसेज करती हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने जो जो एड्रेस किया उस पर से ही मैं वही का वही यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी 1 जुलाई 2021 के बाद से डिपेंडेंट है वो उनको डिपेंडेंट वीज़ा ही शायद नहीं मिलेगा, या कहें कि डिपेंडेंट वीज़ा मिल भी गया तो उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने सॉलिसिटर से बात करी, द न्यू डिपेंडेंट्स ऑन द PSW वीजा आफ्टर द 1 जुलाई वो अपने स्पाउस के साथ शायद आ ही नहीं सकते या रह ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज तो है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब फिलहाल तो यही रूल है एंड यही इन्होंने वन लाइन स्टेटमेंट में दिया भी है कि भाई न्यू डिपेंडेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर PSW बेनिफिट्स और एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंट वीजा। अब इसमें ये भी क्लियर नहीं था उस इंटरव्यू में कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उसके बाद स्टूडेंट्स ही आएंगे और स्टूडेंट्स जो अपने डिपेंडेंट के साथ आते हैं उनका क्या सीन रहेगा। तो मैं अभी मेरे अजम्पशंस लगा रहा हूँ, मुझे अभी भी इसका नहीं पता है कि मे बी जो 1 जुलाई 2021 के बाद भी जो एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे एंड अपने स्पाउस के साथ जो लोग ट्रैवल करेंगे, तो जब तक आपका जो है स्पाउस वो स्टूडेंट है तब तक तो उनका डिपेंडेंट को सारे राइट्स मिलेंगे, जो भी यानी ही और शी इज एंटाइटल्ड फॉर यू नो वर्क एंड वो साथ भी रह सकते हैं। So and all. लेकिन जहां पर उस स्पाउस की स्टडी खत्म हुई और वो PSW में कन्वर्ट होगा, वहीं से उसके डिपेंडेंट के सारे राइट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे। शायद अभी जो रूल है वो इस तरह से बना हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ रिफॉर्म्स आए, इसमें कोई चेंजेस आए, लेकिन अभी ये रूल का इसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो और अगेन, ये मैंने जैसे कहा कि ये मेरे अजम्पशंस हैं जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि स्टूडेंट रूल्स में अभी तक कोई स्टूडेंट वीजा या स्टूडेंट रूल्स में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, उनको सिर्फ PSW एंटाइटल हुआ है, कहेंगे वो बेनिफिट उनको मिलेगा आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी। तो अब ये तो हो गई PSW पे ये सीधी सीधी बात, तो ये था। अब मेरा जो इसके बाद जो उस इंटरव्यू के बाद, राजीव भैया के इंटरव्यू के बाद या वीडियो के बाद जो मैंने जो किया वो मैं यहाँ पे मेन है कि मैंने ढूंढना शुरू किया अल्टरनेटिव्स के, अल्टरनेटिव्स क्या है। सबसे पहला जो अल्टरनेटिव जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आपका जो भी स्पाउस है या कोई भी है वो आपके साथ यहाँ पर विजिट वीजा पर आपके साथ रह सकता है। किसी को भी यहाँ पर 6 महीने का विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा अलाउड है, 6 महीने तक वो आपके साथ रह सकते हैं। तो और किसी किसी सर्टन सर्टन केसेस में ये 12 मंथ्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर ऑन टूरिस्ट वीजा पर रह सकते हैं एंड और अगर आपका स्पाउस यहाँ आने के बाद अपने वीजा को किसी और वीजा में कन्वर्ट करा लेता है, जैसे कि ग्लोबल टैलेंट वीजा हो गया या वर्क वीजा हो गया या उनको ही कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यू नो स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है और समथिंग लाइक दैट, तब तो ये चीजें ईजी हो जाएंगी। अदरवाइज वो आपके साथ 6 महीने तक तो रह ही सकता है ऑन ऑन टूरिस्ट वीजा, उसके बाद आप 6 महीने का और गैप दीजिए या आई थिंक 1-2 महीने का गैप होगा, मुझे मुझे इस पर पूरा नहीं पता है, लेकिन मे बी आपको 6 महीने बाद आपको वापस जाना पड़ता है और उसके बाद आप मे बी अगेन यू कैन अप्लाई फॉर अनदर 6 मंथ्स वीजा, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो हो गया कि आपका जो स्पाउस है वो इंडिया पाकिस्तान अपनी होम कंट्री से ही कोई किसी वीजा में यहाँ पर आ जाए, जैसे कि स्पॉन्सर्ड वीजा हो गया या एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, तब भी वो आप दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वीजा वाला जो रूट है ये तो बहुत ही कॉस्टली एंड अगर तो आपका आपके 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 डिपेंडेंट की पढ़ाई का कोई उनका मन नहीं है या स्कोप नहीं है तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ टाइम से ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा कि वो पैसा बर्बाद है। लेकिन फिर भी ये भी एक ऑप्शन है जो कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम अगेन वही आ जाएगी
कि बाद में आपके डिपेंडेंट को तो पीएसडब्ल्यू मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से अपना वीजा कन्वर्ट नहीं कर पाए फ्रॉम पीएसडब्ल्यू टू स्पॉन्सर्ड जॉब और टीयर टू, तो फिर आप एज अ डिपेंडेंट नहीं रह पाए, आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि अब इन रूल्स में कुछ रिफॉर्म्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये अगर ह्यूमैनिटी बेस पे भी देखा जाए तो दीज आर नॉट द राइट। लेकिन अब क्या क्या कह सकते हैं, आई मीन कुछ यूएस में भी कुछ इसी तरह का रूल है कि वहां पर भी डिपेंडेंट जो है वो वर्क वीजा उनको वर्क करना अलाउड नहीं है। यहाँ पर तो इन्होंने एक स्टेप आगे चले गए, यहाँ पर तो इन्होंने डिपेंडेंट को ही कैंसिल कर दिया, आई मीन डिपेंडेंट भी नहीं आ सकता। तो ये कहीं ना कहीं ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ये बहुत ही कहेंगे गलत चीज हो रखी है यहाँ पर। एंड उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स आए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें, ये जो एक रूल है, जो भी स्पेशली जो भी मैरिड लोग हैं वो शायद इस वजह से यूके को अवॉइड करना शुरू कर दें। तो आई होप कि गवर्नमेंट जल्दी इस पे कुछ एक्शन लेगी एंड विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। एंड इसमें हाँ एक चीज मैं एक और कवर चीज करना भूल रहा हूँ, वो है ये है कि एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि जो लोग अभी शादी करने वाले हैं आगे, आई मीन आफ्टर जुलाई, और कहें कि जो लोग वेट कर रहे थे कि पीएसडब्ल्यू मिले फिर हम शादी करें, तो आप लोग फ्रेंड्स शादी कर लो, लेकिन उसके बाद आपका स्पाउस आपके साथ रह नहीं सकेगा जब तक आपका वीजा कन्वर्ट नहीं होता, या वो आपके साथ टूरिस्ट वीजा पे आ सकता है। तो ये ही एक चीज है, आई मीन आप ये सोचो कि आप भी रहोगे और आपका डिपेंडेंट भी यहाँ रहेगा और दोनों आप लोग यहाँ पर जॉब करोगे, जो कि एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए था यहाँ पर, वो यहाँ पर फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यही था आज के वीडियो में, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।